प्रापत्र अध्याय एक वाक्य 24 और 25, क्योंकि लिखा है समस्त शरीरधारी घास के सदृश है और उनका सौंदर्य घास के फूलों की तरह, घास मुरझाता है और फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युगो युगो तक बना रहता है और यह वचन वह सुसमाचार है जो आपको सुनाया गया था। प्यारे दोस्तों, जय श्री। वह सुसमाचार या गुड न्यूज क्या है? ईसा मसीह स्वयं सुसमाचार है। हम बीते 23 दिनों से इस सुसमाचार को अपनाने की तैयारी में लगे थे और कुछ ही घंटों के बाद में क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। क्या आप सब खुश हैं? क्यों हम जीसस का बर्थडे मनाते हैं? क्योंकि वे हमारे मुक्तिदाता, जीवनदाता एवं उद्धार करता है। और प्यारे दोस्तों, चरनी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि बालक यीशु बेतलहम की चरनी में जन्म लिए थे। हम दिनहीनों के लिए और उसी दिन पूरा संसार, आकाश एवं पृथ्वी खुशहाली से चमक उठा था। तो आइए प्यारे दोस्तों, पूरे उमंग के साथ खुशी से हम बालक यीशु को अपने हृदय में स्वागत करें और यह प्रार्थना दोहराए। मेरे यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जल्दी मोमबत्ती हाथ में लेकर नन्हे यीशु को भेंट चढ़ाए और ऊंचे स्वर से कहेंगे, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति मिले। आमीन।